नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान की थड़ी में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जनगणना की। तो आइए शुरू करते हैं। आपको पहले थोड़ा सा बता दें कि जनगणना कब शुरू हुई, किस समय शुरू हुई, किस वर्ष में शुरू हुई और राजस्थान की जनगणना कौन से स्थान पर है, तो ये सब आज हम आपको बता देते हैं। पहले देखिए, 1871 से 72 में लॉर्ड मेयो के द्वारा जनगणना कार्य शुरू किया गया। प्रथम व्यवस्थित जनगणना जो है वो रिपन के काल में 1881 में शुरू की गई और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में शुरू की गई थी। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के बारे में, जो भारत की 15वीं और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है और सहस्त्र शताब्दी की दूसरी जनगणना है। 30 अप्रैल 1913 को जनसंख्या के संशोधित आंकड़े जारी किए गए, जिसमें राजस्थान की जनगणना ये रही थी। आंकड़े आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनगणना 2011 की। देखिए, राजस्थान के अंदर जो जनगणना थी वो जनसंख्या 120.41 लाख जनसंख्या थी राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार। नगर की जनसंख्या 5000 की न्यूनतम जनसंख्या पे थी और शहर की जनसंख्या जो थी 1 लाख से अधिक थी, ठीक है। और इसमें जनसंख्या की जो वृद्धि हुई थी वो 21.3% की वृद्धि राजस्थान में हुई थी और शहरों में 21.31% की वृद्धि हुई थी। अब अगर हम बात करें जनसंख्या के घनत्व की, तो राजस्थान के अंदर जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पर जनसंख्या घनत्व रहा। और अगर हम बात करें नगरों के जनसंख्या के घनत्व की, तो 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व रहा था। ये आंकड़े काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो इन्हें अच्छे से याद करें। अब हम बात करते हैं ग्रामीण की आबादी की, राजस्थान और शहरों के बीच की। अगर हम राजस्थान की बात करें ग्रामीण, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी की, तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है राजस्थान, पूरे राजस्थान में जो है 93.45%। अगर हम शहरों की आबादी की बात करें तो जयपुर सबसे पहले, जयपुर और सेकंड नंबर पे आता है अलवर, जो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र हैं। अब हम बात करते हैं न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र की। राजस्थान के अंदर न्यूनतम ग्रामीण आबादी कोटा में है जो है 39.69%, और शहरों में न्यूनतम ग्रामीण आबादी जो है वो जैसलमेर की है। अगर हम बात करें राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर की, तो शहरों के अंदर दशकीय वृद्धि दर किस प्रकार है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बाड़मेर के अंदर सबसे अधिक दशकीय वृद्धि 32.5% की हुई, ठीक है। और उसके बाद जैसलमेर में 31.8% की दशकीय वृद्धि की गई। जोधपुर में 27.7% की दशकीय वृद्धि हुई थी। तो सबसे अधिक 3 जिलों में हुई थी, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में दशकीय वृद्धि। और न्यूनतम जो दशकीय वृद्धि की गई थी वो गंगानगर में जो है 10%, झुंझुनू में 11.7%। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि गंगानगर और झुंझुनू। अब जनसंख्या के घनत्व की बात करते हैं,
तो जयपुर में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है 595, भरतपुर में 503, दौसा में 476, अलवर में 438। यहाँ पर चार ऐसे शहर हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले शहर हैं, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। इनके आंकड़े आप याद कर लें। अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो जैसलमेर के अंदर 17, बीकानेर के अंदर 78 और बाड़मेर के अंदर 92 जनसंख्या घनत्व रिकॉर्ड किया गया है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, घनत्व वाले जो जिले हैं, न्यूनतम घनत्व वाले जिले, वे 100 से कम हैं, जो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर इसमें शामिल है। अगर हम बात करें 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की, वो है जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, जिनके डिटेल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार दशकीय घनत्व में वृद्धि और कमी हुई है। सर्वाधिक वृद्धि वाले जो जिले हैं वह है जयपुर, उसके बाद दौसा, फिर भरतपुर। जयपुर के अंदर 124 सर्वाधिक वृद्धि हुई है घनत्व में, दौसा में 91 और भरतपुर में 88। सबसे कम वृद्धि जैसलमेर में हुई है, जो है 4। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा यह जनगणना का वीडियो कैसा लगा? आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो इस तरह से लेके आएं। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।